मैं तुषार अग्रवाल आपका अपने YouTube चैनल A1 एजुकेशन अकेडमी में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि हमने पिछले डिफरेंटिएशन पार्ट 1 में एक आपको छोटी सी शॉर्ट ट्रिक देखी थी कि वाई इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इस तरीके से समझते, तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंटिएशन कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं 2y-1। यही इसकी ट्रिक थी। आज मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ, और जो आपने फिर भी 11th 12th की बोर्ड परीक्षाओं में ये वाले क्वेश्चन किए होंगे, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं इसका फुल मेथड बताऊंगा, इसको कैसे करते थे हम बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, और अब जो कि हम NDA एयरफोर्स नेवी में शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, कैसे अपना आंसर टिक करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका फुल मेथड क्या है। तो मैं आपको बताने वाला था कि y इज इक्वल टू, जब आपको दिया होता है क्वेश्चन, बता रहा हूँ आपको, y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर एक्स। इस वाले सम समय जब भी हमें पावर देता था, सबसे पहले हम इसमें लॉग मानते थे, ठीक है ना। तो लॉग लेंगे दोनों साइड, तो log y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा साहब, log साइन x की पावर x, log m की पावर n होता है, तो क्या होता है n log m, ठीक है ना। log y इज इक्वल टू x log साइन x। अब डिफरेंटिएशन करना है दोनों साइडों में, तो log y का क्या होता है, 1/y dy ओवर dx इज इक्वल टू, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लूंगा मैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लूंगा। ये आपको पता है कैसे आया, हम पे फॉर्मूला होता है log m की पावर n, क्या होता है n log m, ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ठीक है ना। ये जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है, y इज इक्वल टू साइन x की पावर x, जब भी पावर में हमको दोनों साइड log लेना है, log लेके हमारे ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है यहाँ पे, ये हमने x लिख दिया इस तरीके से, फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। फिर हम फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे इधर, फर्स्ट फंक्शन d ओवर dx log साइन x प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंटिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन log साइन x इंटू d ओवर dx फर्स्ट, x का क्या हो जाएगा x, इसका 1/ साइन x और साइन x का cos x, ठीक है ना, प्लस log साइन x इंटू x का 1। अब इसको सही तरीके से लिख देते हैं हम, x cos upon sin cot x प्लस log साइन x। तो y इज इक्वल टू यहाँ से dy ओवर dx निकालेंगे, dy ओवर dx इज इक्वल टू इंटू वाला y ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ 1/y dy ओवर dx अपना चलता हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो y की वैल्यू, y कितना आ गया, x cot x प्लस log साइन एक्स, ठीक है ना। अब वाई की वैल्यू थी क्या, साइन एक्स की पावर एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ये आपका हो गया आंसर। किस वाले मेथड से, बोर्ड की परीक्षाओं के लिए, बोर्ड की जो इंटर और फर्स्ट ईयर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको इस तरीके से करना है, किसमें, बोर्ड में। अब मैं इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, जिससे कि केवल आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा, ना कि इतना सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो इसका शॉर्टकट मेथड हम देखते हैं इधर साइड में, मैं इतनी लाइन यहाँ पे खींचता हूँ उसका, डायरेक्ट हम किस तरीके दूसरों से अलग कर सकते हैं, किस तरीके से हम आंसर को केवल टिक कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। अब एक बात बताइए, हम वाई इज इक्वल टू, ये क्या दिया है, एम की पावर एन दिया है, m की पावर n दिया है हमें, क्या दिया, m की पावर n, यही फॉर्म है क्या, नहीं है। अब हमें लॉग नहीं लेना है, इंटर के मेथड से इस तरीके से करना है, पर हम पेपर में इतना टाइम लाएंगे तो हम एक ही क्वेश्चन में रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हमें केवल उस चीज को देखेंगे जिससे हम अपना ऑप्शन को टिक कर सकें, ठीक है ना। अब आ जाओ आप, इसका dy ओवर dx निकालना है हमें। आप एक बार बताओ, y तो बाहर आता ही है, तो y बाहर आता है तो m की पावर n लिख दूंगा बाहर, ऊपर क्या है n, n ऊपर लिख दिया, m नीचे लिख दिया, एन नीचे, जो नीचे आगा उसको एक बार हम कर देंगे डिफरेंशिएशन, प्लस जब इसका डिफरेंशिएशन हो गया, अब रह गया ना जे, अब एक बार बताओ यहाँ पर लॉग के संग में एम लिख लूँ और एन का कर दूँ डिफरेंशिएशन, ये हो गया इसका आंसर फाइनली। ये आपकी शॉर्टकट ट्रिक, मैं बताता हूँ इससे आप आंसर किस तरीके टिक करेंगे। आप क्वेश्चन ये दिया है आपको, उसके डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है, ठीक है ना। एम की पावर एन, एम की पावर एन साइन एक्स की पावर एक्स, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स की पावर क्या आ गई एक्स, कोष्टक शुरू, एन अपॉन एम एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी ओवर डी एक्स एम
एम का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना क्या होगा, कॉस एक्स प्लस लॉग लॉग एम, एम किया क्या है साइन एक्स, साइन एक्स है ना। अब एन क्या है, एन किया वन है, इसका वन हो जाएगा, देख लो आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, साइन एक्स की पावर एक्स, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स। इसी तरीके से आपको मैं और एग्जांपल बताता हूँ इसके कि इसको और किस तरीके से। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊँ इसका कि देखिए आपकी ट्रिक क्या है, m की पावर n दिया हो तो dy ओवर dx क्या होता है, इस दिस फंक्शन y को बाहर आता है, हमें पता है y नीचे से ऊपर पहुंचता है तो y ये हो गया, आपको बस जब ऊपर है तो ऊपर लिख दिया और नीचे वाला नीचे लिख दिया और नीचे वाले का एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया प्लस लगा के लॉग में नीचे वाले को लिख दिया। जब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हो गया है तो सेकंड वाले का भी तो करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने किसका कर दिया, एन का। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं जिससे हमें कुछ अच्छा समझ में आए, जैसे कि ले लूंगा मैं एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू कॉस एक्स की पावर साइन एक्स, वही कंडीशन है, लॉग लेंगे, पर हमें लॉग लेके अब करना नहीं, कोई हमने कॉन्सेप्ट देख लिया उसको देख लेंगे, तो हम इंटर में पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से कर लेंगे, बट कॉम्पिटिशन में हमें जिस तरीके से करना है हम इसको क्या मान लेंगे, एन और जी अपना क्या है एम, ठीक है। हमें ये फॉर्मूला लगाना है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये वाला लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें dy ओवर dx डायरेक्ट आंसर लिख। तो देखो अब हमने इसमें इसको n है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से और इसमें m है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है n अपॉन m। तो पहले तो हम y लिख दे रहे हैं, क्या है हमारा cos x की पावर sin x, ठीक है ना, sin x अपॉन, क्योंकि n अपॉन m, n अपॉन m, sin x अपॉन cos x इंटू डी ओवर डी एक्स एम, एम क्या है cos x, तो कितना हो जाएगा d ओवर dx इसका माइनस के sin x। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस दिन, sin x का क्या होता है cos x, लेकिन cos x का क्या होता है माइनस के sin x, इसका कितना हो जाएगा माइनस के sin x प्लस। अब एक बार बताओ जब हमने m का डिफरेंशिएशन कर लिया और log के संग क्या आएगा हमारा, log के संग क्या आएगा m, तो log m की वैल्यू क्या है cos x, cos x ठीक है ना, इंटू डी ओवर डी एक्स किसका साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है माइन कॉस एक्स प्लस के, ये हो गया इसका आंसर। इसको सही तरीके से दिख नहीं रहा है तो मैं एक बार लिख देता हूँ उसकी लाइन को, क्या हो जाएगा कॉस एक्स की पावर साइन एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, टेन एक्स माइनस के साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल कराऊं जो कि हमारी 11th क्लास के साथ बुक में है, मैं और कंपटीशन में भी काफ़ी बार आ चुका है, SSR की बात करूं डबल ए का, जब से कंबाइंड एग्जाम हुआ है ये हर बार ज़्यादातर आधे ही क्वेश्चन है, आप देख लो कौन सा क्वेश्चन, और बिल्कुल क्वेश्चन एकदम सिंपल है, आपको शायद आंसर भी याद होगा x की पावर x का। मैं बता दूं आपको क्वेश्चन क्या था कि y इज इक्वल टू x की पावर x, तो लॉग लेना नहीं है, ये क्या है अपना n है, ये क्या है m है, तो n अपॉन m, तो dy ओवर dx लिखेंगे हम इसको, x की पावर x तो बाहर आएगा, इसी तरीके से m की पावर n, इसको याद करना आपको फॉर्मूले को, केवल किसको याद करना इस फॉर्मूले को, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा x अपॉन x, डिफरेंशिएशन ऑफ x का कितना होगा 1 प्लस log के संग x, m आएगा log के संग m इंटू एन का 1 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा यार एग्जाम में, 1 प्लस log x, ये हो गया इसका फाइनल डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूँ इसके, तो मैं आपको जैसे कि बता रहा था इसमें एग्जाम्पल आपके समझ में आए होंगे, आपको इंटर के मेथड से, मैंने आपको शुरू में बताया आप इंटर में हो या फर्स्ट ईयर वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो, तो पहला जो मेथड बताया इसको करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा एग्जाम में, कुछ एग्जामिनर की समझ में नहीं आएगा, तो आपको पहले आपको फुल मेथड करना है। अगर कंपटीशन वाले एनडीए वाले एयरफोर्स नेवी वाले बच्चों को करना है तो आपको ये ट्रिक लगानी है, y इजिकल टू एम की पावर n होगा तो क्या होगा dy ओवर dx, ये y तो बाहर आता है अपना y लिख दिया, कुछ नहीं करना इसको भाई लिख बाहर लिख दिया, फिर ऊपर क्या है ऊपर लिख दिया, नीचे क्या है नीचे लिख दिया, नीचे वाले का एक बार कर दिया क्या डिफरेंशिएशन प्लस प्लस लगा दिया आपने, प्लस लगा दिया फिर लॉग लिख के, यहाँ पे क्या करना है आपको लॉग लिख के, लॉग m इसका डिफरेंशिएशन हो गया ना, अब लॉग m रह गया क्या n, n का आपने कर दिया डिफरेंशिएशन, जिस तरीके से आप इन एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स में आपको बताएं उस तरीके से आप देख सकते हो। अब और कोई वैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से ट्रिक है, और इसको ट्रिक को लिख लीजिए आप, इससे क्या है कि आप ये ट्रिक याद होगी तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो आप फुल मेथड लगा रहे होंगे इससे आपका टाइम खराब होगा।
और आप वीडियो में कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिले।